गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस डे की क्लास तक हमने चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी स्टार्ट कर दिया था। उसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर देखा था हमने, है ना। और वहां हमने लास्ट फॉर्म देखी थी, सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। आज देखते हैं उसका इक्विलेंट फ्रैक्शंस, है ना। क्या देखना है अब? इक्विलेंट फ्रैक्शंस जब हुआ करता था उसी का नाम बदल के कर दिया गया है इक्विलेंट रेशियो। इक्विलेंट रेशियो, ठीक है। जैसे मान लिया मैं बात करूं आपके लिए, मैं लिखा 2/14 एंड 3/21। क्या ये दोनों नंबर्स या दोनों रेशियोज आपस में इक्विलेंट है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट देम इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, देन 1/7, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, देन इट इज ऑल्सो 1/7, 1/7, सो बोथ आर इक्वल। देन 2/14 एंड 3/21 आर इक्विलेंट रेशियो, है ना। अब यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें इक्विलेंट रेशियो की बात करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म अगर आपस में इक्वल है, इट मींस दे आर बोथ इक्विलेंट, है ना। जैसे मान लीजिए लिखा 3/15 एंड 5/25, करें कन्वर्ट सिंपलेस्ट में, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, इट मींस 1/5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, इट इज ऑल्सो 1/5, बोथ आर इक्वल। देन 3/15 एंड 5/25 आर इक्विलेंट रेशियोज। तो क्या कहलाए आपस में, ये इक्विलेंट रेशियोज कहलाए। ये तो कब था, जब हमें टू नंबर्स गिवन थे, है ना। तो हमने कंपेयर कर दिया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके कह दिया कि बोथ आर इक्विलेंट, बोथ आर इक्विलेंट। बट वही मुझे अगर ये कह दिया जाए कि एक एग्जांपल दे दिया और इसका कहा कि हमें इसको इक्विलेंट रेशियो में कन्वर्ट करो, जिसका न्यूमरेटर इतना होना चाहिए, जिसका डिनोमिनेटर इतना होना चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे। तो चलो मान लिया एक एग्जांपल दिया आपका मैंने, 1/4, और क्वेश्चन लिखा राइट इट्स इक्विलेंट रेशियो विद डिनोमिनेटर, इक्विलेंट रेशियो विद डिनोमिनेटर 20, कि उसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। इट मींस हम लोग क्या करेंगे, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी मल्टीप्लाई विद व्हाट नंबर, सो डिनोमिनेटर ऑफ रिजल्ट, रिजल्टिंग रेशियो जो है वो कितना हो जाए मेरा, 20। कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा रिजल्टिंग रेशियो जो मिले उसका डिनोमिनेटर 20 के इक्वल हो जाए। इट मींस 4 5 20, है ना। देन बोथ न्यूमरेटर डिवाइड डिनोमिनेटर शुड बी मल्टीप्लाई विद 5/5, देन 5 1 जा 5, यानी 5/20, ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। मान लिया मैंने आपको ये लिख के दिया कि 3/7 दिया, क्या करना था इसका मुझे, इक्विलेंट रेशियो निकालना है
विद न्यूमिरेटर 21, जिसका न्यूमिरेटर कितना होना चाहिए बेटा आपका 21। इट मीन्स हम क्या करेंगे, 3/7 इज मल्टीप्लाई विद व्हाट नंबर, एंड न्यूमिरेटर कितना बनाना है हमें 21। तो डिनोमिनेटर बाद में आएगा, न्यूमिरेटर को कितना लाना है 21। अब 3 की टेबल में 21 कितने टाइम आएगा, 7 टाइम। इट मीन्स न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से। 7 जा 49। तो करेक्ट आंसर क्या मिला मुझे, 21/49। करेक्ट आंसर क्या आया अपना, 21/49। ओके, सिंपल सा टॉपिक था, एक छोटा सा ही। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रेशियो के बाद प्रोपोर्शंस। रेशियो के बाद क्या आता है, प्रोपोर्शंस। अब क्या हो सकता है प्रोपोर्शन, उसमें हम क्या कहते हैं, व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल। जब हमारे पास टू रेशियोज हो और दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो, यानी उसकी इक्विलिटी जो होती है टू रेशियोज को इक्वल करने की, उसको हम क्या नोट करते हैं, प्रोपोर्शंस में। उसको हम क्या नोट करते हैं, प्रोपोर्शंस में नोट करते हैं, और उसी चीज को वेरीफाई करते हैं कि कैसे हो सकते हैं प्रोपोर्शंस। हमने क्या कहा, व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल। दे आर सेट टू बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शंस। कि जब दो रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तब हम उसको क्या कह सकते हैं, दे आर इन द प्रोपोर्शंस। व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, लेट देख, फर्स्ट रेशियो था ए अपॉन बी एंड सेकेंड रेशियो सी अपॉन डी। हमने कहा व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, यानी फर्स्ट रेशियो ए अपॉन बी, सेकेंड रेशियो ए अपॉन सॉरी सी अपॉन डी। इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे हम लोग, ए इज रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी इज रेशियो डी। जब ये इक्वल कहा था, अब इस इक्वल को किसमें ले जा रहे हैं हम लोग, प्रोपोर्शंस में। देन ए इज रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी इज रेशियो डी। कल बात हुई थी ना, हमने 4 पॉइंट भी तो लगाते हैं बीच में, है ना, हमने उसी पॉइंट्स को लगाना स्टार्ट किया। ए इज रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी इज रेशियो डी, यानी व्हेन टू रेशियोज आर इन द सेम मैनर, यानी दोनों रेशियो आपस में क्या हो, इक्वल हो। न्यूमेरिकली इक्वल हो कोई जरूरी नहीं है, बट जब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे देन बोथ आर इक्वल। जैसे इससे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले थे ना हमने, हमने कहा था कि 3/7 था इधर, और हमने यहाँ कहा था 21/49, है ना। तो क्या दोनों रेशियोज इक्वल है, यस 100% है। क्यों है, क्योंकि देखो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपस में इक्वल था, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपस में क्या था, इक्वल था। इट मीन्स बोथ आर इन प्रोपोर्शंस, बोथ आर इन प्रोपोर्शंस, दोनों ही आपस में क्या है, प्रोपोर्शंस में। और ये जो स्टेज बनाई मैंने, ए इज रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी इज रेशियो डी, वो क्या कहलाया, प्रोपोर्शंस। वो क्या कहलाया आपस में, प्रोपोर्शंस में कहलाए। अब प्रोपोर्शंस में तो लिख दिया हमने, तो इसके अकॉर्डिंग कुछ एक रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें आउटर पार्ट ए एंड डी, इनर पार्ट बी एंड सी। इनर पार्ट कहलाता है मीन एंड आउटर पार्ट एक्सट्रीम। इनर पार्ट मीन, आउटर पार्ट एक्सट्रीम, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपना एक फॉर्मूला बनता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इट मींस ए मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय सी होता है। अगर है इट मींस दे आर इन प्रोपोर्शंस, अदरवाइज नॉट दे आर इन प्रोपोर्शंस। अगर आपस में इक्वल है तो ये जो गिवन पार्ट होगा वो प्रोपोर्शंस में होगा, अदरवाइज प्रोपोर्शंस में नहीं होगा, है ना। तो यहां से एक चीज और सामने आई, देखो अगर मेरे पास ए बी सी डी टोटल फोर क्वांटिटीज है ना, उनमें से एनी वन क्या हो अननोन हो, तो क्या मैं रिमेनिंग का यूज करते हुए उस अननोन को फाइंड आउट कर सकता हूं? 100% कर सकते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास ए अननोन है, तो मैं क्या करूंगा कि ए इज इक्वल्स टू बी इंटू सी अपॉन डी। आ रही है बात समझ में? यानी देर आर फोर क्वांटिटी, अगर इसमें से कोई एक क्वांटिटी अननोन है तो उस अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करने का मेथड क्या होगा कि जो अननोन है उसको बाहर निकाला, बाकी को दो मल्टीप्लाई में थी एक से डिवाइड कर दिया। जैसे मान लिया अगर डी निकालना होता तो डी इक्वल्स टू बी इंटू सी अपॉन ए हो जाता, अगर आपका बी फाइंड आउट करना होता तो ए इंटू डी अपॉन सी होता, सी फाइंड करना होता तो ए इंटू डी अपॉन बी होता, है ना। यानी ये सारे क्या है इसकी फॉर्मेलिटीज है आगे वाली, ठीक है ना। ये कह रही क्या है इसकी फॉर्मेलिटीज है। इसी के बेस पर हमारे पास थ्री क्वांटिटी आती है। फर्स्ट क्वांटिटी होती है कंटिन्यू प्रोपोर्शंस, फर्स्ट कौन होता है कंटिन्यू प्रोपोर्शंस, सेकंड होता है मीन प्रोपोर्शनल यानी ज्योमेट्रिक मीन्स, एंड थर्ड होता है जो मेन पार्ट होती है वो कौन होता है कंटिन्यूड मीन टर्म्स, जिसको एक्सट्रीम बोल सकते, एक्सट्रीम मीन का प्रोडक्ट था वो अपना, उसके बाद प्रोपोर्शनल था जिसको हमने नाम दिया है ज्योमेट्रिक मीन्स, और उसके बाद थर्ड प्रोपोर्शंस। क्या फाइंड करना था उसका हमें? थर्ड प्रोपोर्शंस। चलिए देखेंगे अभी इस टाइप के क्वेश्चंस, ज्यादा बेटर हो जाएगा ना। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे प्रोपोर्शंस के बेस पर, उसके बाद रेशियो के क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, और इट मींस एक्सरसाइज की तरफ मूव कर जाएंगे हम लोग। ओके, क्वेश्चन लिखा मैंने आपके लिए, आर द फोर नंबर्स फोर ट्वेल्व सिक्सटीन एंड फोर्टी एट इन प्रपोर्शंस। क्या ये फोर नंबर्स जो है वो प्रपोर्शंस में है क्या? और फोर नंबर्स है फोर ट्वेल्व सिक्सटीन एंड फोर्टी एट, ठीक है। अब देखो प्रपोर्शंस में लेने के लिए हमने क्या कहा कि फोर इज रेशियो ट्वेल्व, प्रपोर्शंस में है क्या? इट मीन्स फोर डॉट देन सिक्सटीन इज रेशियो फोर्टी एट। हमारे पास टोटली बहुत सारे मेथड्स है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या था, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, है ना। डिफरेंट मेथड का यूज करें, आंसर सबके सेम। फर्स्ट मेथड इज ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, है ना। यदि हमारे पास टू रेशियोज आपस में क्या है इक्वल है, देन दे आर इन द प्रोपोर्शंस, है ना। तो इसका यूज करें तब तो फोर अपॉन ट्वेल्व एंड सिक्सटीन अपॉन फोर्टी एट। फोर वन जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, सिक्सटीन वन जा सिक्सटीन, सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट। हेंस ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ए अपॉन बी सी अपॉन डी के क्या था इक्वल था, देन यहां लिखा हेयर ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, सो
दे आर इन प्रपोर्शन, ठीक है। सेकेंडली हमने क्या देखा था अभी, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, है ना, एक फॉर्मूला जनरेट किया था ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चले, देन प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होना चाहिए, है ना। ये हो गया 4 × 48 मीन, सॉरी मीन में चलेगा अपना 12 × 16 और वो चलेगा 4 × 48। करें मल्टीप्लाई, 16 × 32 कैरी लग गया 3, 16 × 16 और 3 × 19, 8 × 4 = 32, 16 × 3 = 90, बोथ आर इक्वल, 192 = 192, यस दे आर इन प्रोपोर्शंस। ज्यादा बेटर मेथड कौन रहता है प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के लिए? रीजन, क्योंकि इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग, अगर हमारे पास अननोन क्वांटिटी है तो भी इजीली फाइंड आउट हो जाती है ना। हालांकि यहां से भी हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई में जा सकते हैं, बट कभी कभी माइंड से वॉश आउट हो जाता है। तो मैटर रहेगा कि अपने एक ही मेथड को लेके चले ताकि अपना काम इजीली होता रहे, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ, उसको चेक करके देखो कि आर दे इन रेशियो प्रोपोर्शन और नॉट, ठीक है। मैंने लिखा नंबर्स लिखे आपके लिए 56, 64, 63, 72, 63 and 72, there are four numbers 56, 64, 63 and 72 आर इन प्रपोर्शंस। आप दोनों मेथड का यूज करोगे, ठीक है, आप लोग दोनों मेथड का यूज करते हुए इसको सॉल्व करोगे। चले चेक करें बोर्ड पर, उसके बाद अगर किसी के बाद डाउट होता है तो डाउट के रिगार्डिंग, हमने कहा हमारे पास टोटल टू मेथड्स है ना। फर्स्ट में जब हम क्या करेंगे, रेशियो के अकॉर्डिंग देखेंगे, एंड सेकंड में प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग देखा तो 56 upon 64 = 63 upon 72, 8 की टेबल से 8 7 = 56, 8 8 = 64, देन 7 upon 8, नाइन सेवन 63, 9 8 72, इसमें मैंने डिवाइड किया 8 से और उसको डिवाइड किया मैंने 9 से, देन बोथ हैविंग 7 upon 8, सो दे आर इन प्रपोर्शन, सो दे आर इन प्रपोर्शन, सेकेंडली देखें इधर, तो इधर चलेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा हम, 56 is ratio 64, prop ratio 63 is ratio 72, mean extreme, ये जाएंगे, then 56 multiplied with 72 = 64 multiplied by 63, करें मल्टीप्लाई देखो,
4032। सेकंड करें 64 मल्टीप्लाई बाय 63 192 अगेन 4032। यस दे आर इन प्रपोर्शंस। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। ओके बाय, टेक केयर बेटा।